चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं यार बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा ये पेंट अच्छा लग रहा है यस कौन है भाई कौन है मोबाइल पे कर लिया करो फोन हेलो हेलो ये खूबसूरत फोन क्यों नहीं उठा रही क्योंकि फोन मैंने उठाया हुआ है ये तुमने उसका फोन क्यों उठाया हुआ है मैंने उसका नहीं आपका फोन उठाया है लेकिन मेरा फोन तो मैंने उठाया हुआ है आप बोल कौन रहे हैं सिद्दीकी बोल रहा हूँ खूबसूरत का बाप कहाँ है वो बुलाओ उसको खूबसूरत का बाप तो यहाँ नहीं है अरे खूबसूरत को बुलाओ ओह अच्छा खूबसूरत खूबसूरत क्या है फोन है तुम्हारा हेलो हेलो ये तुम्हारा फोन क्यों बंद था कौन बोल रहा है तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ तमीज से बात करो बदतमीज आदमी तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ ओह पापा आई एम सो सॉरी मैंने पहचाना नहीं खूबसूरत तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला नहीं पापा मैंने असल में नहीं पहचाना तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला कि तुमने शादी कर ली अब नहीं पापा आपको गलतफहमी हुई है मुझे अफजल ने सब कुछ बता दिया क्या हाँ तुमने बहुत मनमानी कर ली अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा मगर पापा मेरी शादी क्यों वहाँ होगी जहाँ आप चाहेंगे अपनी करें शट अप तुम्हारी शादी अफजल से ही होगी मैंने तुम्हें टिकट भिजवा दिया शादी का नहीं जहाज का फौरन जल्दी घर आओ नहीं तो मैं और अफजल तुम्हें लेने आ रहे हैं पापा हेलो क्या हुआ खूबसूरत क्या है तुम रो क्यों रही हो मेरे पापा को पता चल गया नबील कि तुम रो रही हो नहीं फिर कि मेरी शादी नहीं हुई भी खूबसूरत खूबसूरत बात मत करो मुझसे अरे तुम जा कहाँ रही हो यार मैं जहर खा लूंगी नबील लेकिन अफजल से शादी नहीं करूंगी मेरे पास एक आइडिया है क्या तुम किसी और से शादी कर लो किससे मेरे अलावा किससे भी शादी कर लो व्हाट हाँ मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती तुम्हारे पास है क्या मेरे पास माँ है देखो नबील माँ खूबसूरत क्या है मेरी माँ तो मैं क्या करूँ जल्दी से कपड़े चेंज करो मैं तुम्हारी माँ के कपड़े क्यों चेंज करूँ अरे मेरी माँ के नहीं अपने कपड़े चेंज करो वरना भांडा फूट जाएगा फूटने दो खूबसूरत खुदा का वास्ता माँ पहले क्यों दरवाजा बंद किया था नबील मेरे मुंह से माँ जी मैंने दरवाजा खोला है पहले क्यों बंद किया था तूने देखिए अगर मैं बंद नहीं करता तो खोलता कैसे फिर आप अंदर कैसे आती हाँ ये भी ठीक है कैसी है माँ जी मैं ठीक हूँ पुत्र मैंने तुझे ख्वाब में देखा था जब ख्वाब में देख ही लिया था तो फिर आने की क्या जरूरत थी माँ जी जरूरत थी बेटा मैंने देखा तेरी शादी हो रही है और मैं दुल्हन बनी खड़ी हूँ मेरी शादी में आप दुल्हन बनी क्यों खड़ी हैं पता नहीं बेटा ख्वाब तेरा था ख्वाहिश मेरी थी शायद इसीलिए माँ जी बैठ के बात करते हैं और नहीं मैं तो अपने बेडरूम में ही बैठ के बात करूंगी माँ जी वो नजर नहीं आ रहा बेडरूम नहीं नहीं बेडरूम नहीं फिर वो जो इधर तेरे साथ रहता है महमूद साहब हाय महमूद तो तेरा नाम है बेटा माँ जी नबील नाम है हाँ हाँ नबील 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 कहाँ है नजर नहीं आ रहा वो बाहर गया है अच्छा माँ जी यहाँ बैठ के बात करते हैं माँ जी यहाँ नौकरानी मेरे बेडरूम में क्या कर रही है और ये कपड़े किसके पहने में तूने मेरे कपड़े हैं झूठ बोल रही है तेरे होते तो पूरे होते तुझे महमूद महमूद माँ जी नबील
इस नौकरानी का नाम नबील है? नबील तो मेरा नाम है माँ जी। फिर इसका नाम क्या है? इसका नाम खूबसूरत है। पहले नाम तो बता, फिर ही तो पता चलेगा खूबसूरत है कि नहीं। माँ जी हुआ क्या है? ये मेरे बेडरूम में क्या कर रही है? ये सफाई कर रही है माँ जी। बेड पर बैठ के? उठो नौकरानी, बदतमीज, उठो। नौकरानी हो तुम, नौकरानी बन के रहो समझी? बेगम साहबा बनने की जरूरत नहीं है। बस माँ जी आजकल ऐसी नौकरानी आ रही है। तू जाकर वो ले आ नीचे से। वो क्या? वही जो मैं नीचे टैक्सी में छोड़ के आई हूँ। ड्राइवर? नहीं नहीं, वो जो मेरे साथ आया है। आपके साथ कोई और भी आया माँ जी? हाँ। तो फिर मैं अपना सामान बांध लेता हूँ। हाँ हाँ, हाँ सामान, सामान याद आ गया मुझे, जा सामान ले आ मेरा नीचे से। ये जो नीचे टैक्सी में पड़ा था ये आपका सामान था? मैं ले आया हूँ। माँ जी है मेरी। हाँ, मुझे पता है, मुलाकात तो है ना पहले। अच्छी है। खूबसूरत तुम्हारे पाँव कहाँ है? नीचे। नीचे क्या कर रहे हैं? स्टॉप इट नबील, बहुत हो गया। मुझे अपने पाँव छूने दो खूबसूरत। तो छू लो प्लीज। ओहो, ये मेरे पाँव हैं, अपने पाँव छुओ। नबील, ये देखो, ये कचरा दिखाई नहीं देता तुम्हें? कितनी बार का है, दोबारा झाड़ू दो। जी माँ जी। इसको क्या आके मेरे पैर दबाए? चलो जाओ, जाके मेरी माँ की खिदमत करो। चलो चलो अंदर। हाथों में जान नहीं है तेरे? काश होती। कौन काश? काश मेरी माँ होती। हाँ, तेरी माँ नहीं है? नहीं। तो वो कहाँ है तेरा? कौन? वही जो बच्चों के सर पे हाथ रखता है। उस्ताद? नहीं नहीं, वो जो माँ का वो होता है। बच्चा? वो जो बच्चों का वो होता है। वो कौन? भाई तुम्हारी माँ का शौहर कौन है? सिद्दीकी? सिद्दीकी नहीं, लेकिन मेरे पापा का नाम सिद्दीकी ही है। हाँ, पापा, पापा बाप तो है ना तुम्हारा। प्लीज उनका नाम मत ले। मैंने उसका नाम कब लिया? हाँ? बेचारी तो वो है, वरना नौकरानी बनने पर कौन राजी होता है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, शक्ल से वो नौकरानी लगती है क्या? वैसे शक्ल से तो आप भी कुक नहीं लगते। ये आप रो रहे? नहीं, प्याज काट रहा हूँ ना इसीलिए। छोड़िए, मैं काटती हूँ ना। ज्यादा जोर से ना काटिएगा। प्याज? अच्छा, आप जो काटने के लिए कह रही हैं वो प्याज है? जी हाँ, मर्दों को ना मर्दों वाले काम करने चाहिए। बील? जी माँ जी। वैसे लड़की इतनी बुरी नहीं है। नहीं माँ जी, बहुत अच्छी है और डांस तो बहुत ही आला करती है। क्या, डांस भी करती है? हाँ माँ जी, ऐसा वैसा देखे। मुझे नहीं देखना उसका डांस। आपको कतरीना का डांस नहीं देखना? उसका नाम कतरीना? किसका? वही जो थोड़ी देर पहले कमरे में थी। कमरे में तो आप आई थी। तो मेरा नाम कतरीना है? माँ जी, आपका नाम कतरीना नहीं, आपका नाम मुमताज है। तो तू मुझे माँ जी क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया है माँ जी। हाय अल्लाह जी, इतना दिमाग खराब हो गया, माँ का नाम याद नहीं रहा। ओह, आप कुछ कह रही थी।
हाँ वो नौकरानी की बात कर रही थी मैं। उसका नाम खूबसूरत है माँ। कौन खूबसूरत? हमारी नौकरानी। तूने तो कहा था उसका नाम कतरीना है। कतरीना इसका नाम है माँ जी इसका। टीवी का? ओहो आप नौकरानी के बारे में कुछ कह रही थी। हाँ मैं कह रही थी खिदमत के लिए बुरी नहीं है, मजबूर भी है। खिदमत करने के लिए? ओ नहीं मैं तो कहती हूँ तो उससे शादी कर ले। नौकरानी से? हमारे बूढ़े कहते हैं बीवी नौकरानी जैसी होती है, देख ले मुझे। हाँ देख रहा हूँ। जब तक तेरा अब्बा जिंदा था ना मैं नौकरानी जैसी बन के रहती थी, ऐश तो उसके मरने के बाद हुए। हाँ उसके नसीब में ही नहीं हुआ कि वो भी करे शादी। नहीं नहीं ऐश। माँ जी तो परेशान ना हो ना, मैं आप ही बात कर लेती हूँ। तू अपना तो बताओ, मैं देखती हूँ। महमूद साहब सुनिए। हाँ आपने सुना माँ जी क्या कह रही थी? वो कह रही थी, मैं तो समझा कि तुम कह रहे थे। क्या? कि महमूद साहब सुनिए। अरे यार वो तो मैं ही कह रहा था। तो फिर वो क्या कह रही थी? शादी करने का बोल रही है। तो वो ये बात खुद नहीं कर सकती थी? खुद ही तो किया उन्होंने ये बात। अच्छा? हाँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? अब माँ जी के आगे मैं क्या बोल सकता हूँ महमूद साहब। थैंक यू नबील, दरअसल मैं भी सुबह से तुमसे ये बात करना चाह रहा था। खूबसूरत और मेरी शादी की है? हाँ। तुम्हारी माँ जो शादी की बात कर रही थी वो तुम्हारी और खूबसूरत की शादी की थी जी। अरे साहब, अरे खुशी से कैसा मुंह हो गया आपका। तुम्हारा नाम क्या है लड़की? मेरा नाम लड़की नहीं है। लड़का है? नहीं। फिर क्या है? बताया तो था। बताया तो था ना, ये कैसा नाम है? Oh God, मेरा नाम खूबसूरत है, मुझे तो नहीं लगा। मैंने मारा भी नहीं आपको। एक बात तो बताओ लड़की। पूछे। अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान करूं तो तुम क्या करोगी? मैं आपको पर्सनली एयरपोर्ट छोड़ के आऊंगी, आई प्रॉमिस आंटी। अगर अपने बेटे महमूद से तुम्हारी शादी करा दूं तो एहसान मानोगी मेरा? क्या एहसान? महमूद साहब आपके बेटे? उसने तुम्हें नहीं बताया अभी तक? नहीं, नबील तो कह रहा था कि आप उसकी माँ हैं। महमूद की? नबील की। हाँ तो फिर? तो फिर नबील कौन है? नबील मेरा बेटा। और महमूद साहब? ये महमूद कौन है? ओह नो, देखिए मैं यहाँ नौकरानी नहीं हूँ। फिर कौन हूँ? मेरा नाम खूबसूरत है और ये मेरी दोस्त का फ्लैट है जिसमें आपका बेटा नबील मुफ्त में रहता है। क्या जी? तुम यहाँ नौकरानी नहीं हो फिर भी इस घर में मेरे बेटे के साथ रहती हो, वो भी शादी के बगैर? अल्लाह माफी, तौबा। क्यों? इस घर में रहने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है क्या? जरूरी है। क्या? हाँ अब तो मैं अपने बेटे से तेरी शादी कराऊंगी जबरदस्ती। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी, अपने बेटे के साथ जबरदस्ती करना है। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। शादी तो बच्चू तेरी हो के रहेगी, तू देखना वरना इस घर में तू रह नहीं सकती। हाँ पता नहीं है तुझे, पूरे मल्ले में मशहूर हूँ मैं। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है स्वीटहार्ट, मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह सकता। हाँ मैं तुम्हारी याद में आधी रात को उठ उठ के तरबूज खाता हूँ। नबील ये क्या है? मैं बात करता हूँ। ये दरवाजा है खूबसूरत। तुम्हारी माँ क्या कह रही है? वो भूल गई होगी, ये दरवाजा ही है। बकवास मत करो नबील, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये तुमसे किसने कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ? तुम्हारी माँ ने। क्या उन्होंने ऐसा कहा? हाँ। फिर तो मुझे तुमसे शादी करनी पड़ेगी। शक्ल देखी है तुमने? शक्ल तो खास नहीं है लेकिन मैं कर लूंगा शादी। Shut up, ugly man. चश्मा लगवा लो तुम। अरे तुम समझती क्या हो अपने आप को? बेतहाशा लड़की है मेरे पीछे, बल्कि लड़कियां तो मुझ पे मरती है। क्यों माँ जी? चल वे चूठिया। लीजिए। कितनी अच्छी चाय बनाती है आप। जितनी अच्छी ये बनाई है।
नबील के अब्बा को कभी नहीं देखा? मैंने? नहीं नहीं मैंने, कहाँ होते हैं वो? ऊपर। ऊपर? अरे नबील ने कभी बताया ही नहीं कि वो ऊपर रहते हैं। नहीं जी वो इस दुनिया में नहीं है जी। बड़ा अफसोस। क्यों चाय अच्छी नहीं बनी जी? नहीं नहीं अच्छी है, मैं तो नबील के अब्बा की बात कर रहा था। हाँ वो इतने अच्छे नहीं थे। अब आपने क्या सोचा है? सोच रही हूँ कि नबील की शादी करा दूँ, कब तक अकेला रहेगा? हाँ मर्द अकेला बुरा लगता है। और वो भी अकेली बुरी लगती है। वो कौन? वो जो मर्द के साथ अच्छी लगती है। गर्लफ्रेंड? नहीं वो जो गर्लफ्रेंड होती है। बोल्ड? नहीं वो जो मैं हूँ। खूबसूरत? खूबसूरत तो वो है। वो कौन? अरे वही ना। आप जैसी जहीन औरत मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। हाँ आपने भी नहीं देखी? नहीं नहीं याद आया, औरत भी अच्छी नहीं लगती मर्द के बगैर। आप अपने आप को अकेला क्यों कहती हैं? नहीं मैंने तो अकेली कहा है। आप अकेली नहीं है, मैं हूं ना। खूबसूरत तुम अपने कपड़े किसको दे रही हो? जाओ यहाँ से नबील। क्यों? ठीक है मत जाओ, मैं जा रही हूँ। कहाँ? जहन्नुम में। लेकिन जहन्नुम में इतने कपड़े लेके जाने की जरूरत नहीं है। नबील मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। खूबसूरत? क्या खूबसूरत? तुम खूबसूरत। तुम यही चाहते थे ना कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? हाँ। क्या? मैं चाहता था लेकिन अब नहीं चाहता। तो अब तुम क्या चाहते हो? तुम्हें। क्या? हाँ। मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश मत करो। खूबसूरत मुझे तुमसे चौथी नजर में ही प्यार हो गया था। क्या? हाँ और अगर यकीन नहीं आ रहा तो बैकग्राउंड में ये जो गाना चल रहा है ये सुनो। वैसे नबील हमारी शादी का आइडिया था किसका? जे जे का। How sweet. Oh yes. शादी के बाद आप कितनी अकेली हो जाएंगी? क्यों आप कहीं जा रहे हैं? नहीं मैं नबील की शादी की बात कर रहा था। अच्छा मैं समझी। क्या क्या? कुछ नहीं। मैंने आपका ख्वाब पूरा करने का फैसला कर लिया है। सच? जी माँ जी। मुझे तो शर्म आ रही है। शर्माए मत माँ जी, शादी की तैयारियां करें। मेरी तो पूरी तैयारी है, मैंने तो अरे उसी जोड़ा भी संभाल के रखा हुआ। आपका रूसी जोड़ा खूबसूरत को कैसे पूरा आएगा माँ जी? मुझे तो आएगा ना। आप मेरी शादी पर रूसी जोड़ा पहनेंगी? तेरी शादी? जी माँ जी, अब तो आप खुश हैं ना? काजी साहब ये इतना गंदा रुमाल आपने मुंह पे रखा हुआ है, क्या आपकी भी शादी हो रही है? जी नहीं, मुझे नजला हो रहा है। पीछे कीजिए इसको। दुल्हन से साइन करवा लीजिए। जल्दी कीजिए ना, जल्दी कीजिए। अरे मैं कैसे करूं, साइन तो इन्होंने करने। प्लीज साइन कीजिएगा। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक। अब आप लोग गले मिल सकते हैं। आओ खूबसूरत। अरे खूबसूरत से नहीं, मुझसे मिलो आके।
महमूद साहब मुबारक हो बेटा। महमूद साहब मेरी अभी शादी हुई है और आप बेटे की मुबारकबाद दे रहे हैं यार। अरे बेटे की नहीं बेटे को मुबारक दे रहा हूँ। काश महमूद साहब आज आपकी भी शादी हो जाती तो कितना मजा आता। लो मैं अभी तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। सुनिए सुनिए, आज के इस पुरमुसर्रत मौके पर मैं अपनी शादी का ऐलान करता हूँ। थैंक यू। ये हुई ना बात महमूद साहब, अब खुश? अरे महमूद साहब अगर ये फैसला आप पहले कर लेते तो आज इस स्टेज पर हम दोनों की शादी हो जाती। हम दोनों की? ओहो महमूद साहब मेरा मतलब है आपकी भी शादी यही हो जाती किसी से। हाँ तो मेरी शादी आज ही होगी। क्या? हाँ इसी स्टेज पर। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे बैठिए काजी साहब, मेरा निकाह भी आप ही पढ़वाएंगे। महमूद साहब लेकिन इतनी जल्दी दुल्हन कहाँ से लाएंगे? अरे दुल्हन तैयार है। कहाँ? यहाँ। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बाबा।